नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आप सबका स्वागत करती हूँ अपने सनातन भारत परिवार के अंदर। आज मैं बात करूँगी कि जिनकी नज़र कमज़ोर है, चश्मा चढ़ गया है, बच्चों की स्पेशली जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो मैं आपको दो एकदम साधारण से प्राकृतिक उपाय बताऊँगी नज़र को एकदम अच्छा करने के लिए। सबसे पहला उपाय है कि इसके लिए बच्चों को या जो भी वयस्क भी है, जो भी है, इसको भी चश्मा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है या फिर सर में दर्द हो रहा है नज़र कमज़ोर होने से, आंखें कमज़ोर होने से, तो सभी लोग कर सकते हैं ये। इसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमको करना है इसके लिए, और जितना ज़्यादा करेंगे, कम से कम अगर 20-25 मिनट किया जाए अनुलोम विलोम, तो बहुत अच्छा है। और जो बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी फायदा आता है अनुलोम विलोम से, उनका चश्मा उतर जाता है अनुलोम विलोम को करने से। दूसरा उपाय है कि हम एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के लिए पॉइंट है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये जो दोनों उंगलियाँ हैं इनके बीच में आपका एक्यूप्रेशर का पॉइंट है नज़र के लिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा दर्द करेगा ये पॉइंट, दोनों हाथों में है, इस हाथ में भी है ये आपका जो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ भी आप प्रेशर दे सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दर्द करेगा पॉइंट, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है आँखों के लिए, ठीक है। ये दो साधारण से उपाय हैं चश्मा उतारने के लिए, नज़र तेज करने के लिए। मैं आपको और भी विस्तार में चर्चा करूँगी इससे अपने अन्य वीडियोज़ के अंदर, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए आपसे विदा चाहूँगी, धन्यवाद।